कुछ लोग बहुत बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इतने बड़े इंटेलिजेंट कि देखने वाले हंसते हंसते पेट पकड़ लेते हैं। क्या आपकी भी आदत जिस काम को मना किया जाए वही करने की है? तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आज हम कलेक्ट करने आए हैं कुछ ऐसे नमूनों के लाइव फुटेज जो आपके फेस की स्माइल को लाफ्टर में बदल देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें तो निश्चित मानिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी और आप आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहेंगे। तो आइए मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो है आदत से मजबूर। वेजिटेरियन डॉग। आपने ये बात तो सुनी होगी कि शेर कभी घास नहीं खा सकता, लेकिन कुत्ते पर भी यही बात लागू होती है। कुत्ता भी नॉन वेजिटेरियन है और उसे मीट ही ज्यादा पसंद है। भाई, ये उसका बेसिक और नेचुरल फूड है, लेकिन इसके बावजूद इन मैडम ने लाइव टीवी पर दावा ठोक दिया कि इनका कुत्ता तो वेजिटेरियन हो गया। बस फिर क्या था, टीवी वालों ने भी तत्काल प्रैक्टिकल कर लिया। दो बाउल में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड कुत्ते के सामने रख दिया, बट इस कुत्ते ने नाक ही कटा दी अपनी मालकिन की। मीट ही खाया इस कुत्ते ने, वेजिटेरियन फूड की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन इसकी मालकिन का चेहरा देखने लायक था। भाई, उसके कुत्ते ने उनकी लाइव टीवी पर नाक जो कटा दी। वैसे भी नाक के सवाल पर बवाल मच जाता है, और अगर कोई लाइव टीवी पर झूठा साबित हो जाए तो उसकी हालत क्या होगी, आप ही सोचिए। भीगा भीगा सा इंटरव्यू। कुछ लोग अपने काम में इतने खो जाते हैं कि उन्हें दुनिया का होश ही नहीं रहता, ये ख्याल ही नहीं रहता कि वो कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ इस रेसर के साथ। टीवी पर इंटरव्यू देते हुए ये बोलने में इतना खो गए कि बिना मास्क हटाए ही पानी पीने लगे, या फिर छानकर पानी पीने का ये नया तरीका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए। खैर, इनकी इस भूल का नतीजा ये रहा कि मास्क तो भीगा ही, कपड़े भी भीग गए। इसके साथ ही उनका इंटरव्यू भी भीगा भीगा सा टेलीकास्ट हो गया। अब बात करते हैं रिपोर्टर के गाल पर तमाचा। अक्सर मीडिया कर्मी काफी डिसिप्लिन में अपना काम करते हैं, अपने एटिकेट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू करते रहते हैं, लेकिन कई बार एक्ट्रेस को अक्वर्ड कंडीशन को फेस करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ क्रिस्टल बेल के साथ। मीडिया कर्मी बार बार माइक को मुंह के पास ले जा रहा था और वो माइक को नीचे कर रही थी, साथ ही वो उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दे रहा था। रिपोर्टर को एक फीमेल सेलिब्रिटी से सेफ डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही था। इनकी हरकतें देखकर पब्लिक भी पूछ रही होगी, अरे भाई तुम करने क्या आए थे। इसका जवाब भी एक्ट्रेस ने जबरदस्त दिया। क्रिस्टन बेल पलटकर जाने लगी और जब रिपोर्टर ने उन्हें पीछे से आवाज दी तो उन्होंने रिपोर्टर को एक तमाचा जड़ दिया, लेकिन अपने एक तमाचे का असर इतना जबरदस्त होगा ये शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। बेचारा रिपोर्टर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। कैसा लग रहा है आपको हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो ब्यूटीफुल हॉट क्रिस्टन बेल के इस हॉट हॉट अंदाज पर एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं कि आपके लाइक्स 1000 के पार तो जरूर जाएंगे। कैमरामैन की मस्ती। आपने मौके पर चौका वाली कहावत तो सुनी होगी, मगर हम आपको मौके पर छक्का मारने वाली स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। दरअसल आप सामने जो ब्यूटीफुल रिपोर्टर देख रहे हैं वो अपनी रिपोर्टिंग के दौरान साउंड में कुछ गड़बड़ी फील करती है। इसके बाद कैमरामैन, जो कि वो आप खुद ही देख लीजिए, महिला रिपोर्टर के कान में लगे माइक को ठीक करने के लिए इन्होंने अपने होठों का इस्तेमाल कुछ इस अंदाज में किया कि बेचारी रिपोर्टर शॉक भी हुई और उसने अनकंफर्ट भी फील किया। क्या लगता है आपको, कैमरामैन के इस हरकत की उसको सजा मिलनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फनी सिंगर। आपने हनी सिंह का नाम तो सुना होगा, वो एक जबरदस्त सिंगर हैं, लेकिन हम आपको मिलवाने वाले हैं फनी सिंगर से। आपको गाना ना आता होगा और कभी लाइव टीवी शो में आपको अचानक ही गाने का मौका मिल जाए तो भूल कर भी गाना गाने की गलती मत कीजिएगा, वरना आपका भी हो जाएगा ऐसा ही जबरदस्त कचरा। ये दोनों स्टेज पर गा तो गाना रहे हैं, लेकिन लाफ्टर क्रिएट हो रहा है। Do not underestimate camera.
अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो जो भी करें सोच समझ कर करें, वरना जो भी होगा वो पूरी दुनिया को दिख जाएगा। जैसा कि इन लाइव स्ट्रीमर के साथ हुआ, अक्सर एक ही पोजीशन में बैठे रहने या खड़े रहने के कारण हम कुछ देर में अनकंफर्ट हो जाते हैं, फिर अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में इन मोहतरमा का वो सब दिख गया जो ये दिखाना नहीं चाहती थी। रिपोर्टिंग विद हॉर्स। अगर आप अपने फुटेज में किसी एनिमल के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको काफी अलर्ट रहने की जरूरत है, और आपके साथ भी वही हो सकता है जो इन महोदय के साथ हुआ। ये अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन इनके पीछे से ये घोड़ा इन्हें इरिटेट कर रहा है। इनकी परेशानी इनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है, मगर हंसना इनकी मजबूरी है क्योंकि शो में एंकर के लिए हंसना जरूरी है। वेदर रिपोर्ट। न्यूज चैनल पर अक्सर वेदर रिपोर्ट टेलीकास्ट की जाती है, जहां पर एक एंकर आपको ग्राफिक्स के जरिए आने वाले मौसम की जानकारी देती है। ये एंकर अपने शहर में आने वाले 24 घंटों में वेदर कैसा रहेगा इसकी जानकारी भी अपने व्यूअर्स को दे रही थी, लेकिन तभी इनकी टीम ने इनके साथ एक मजाक कर दिया। वेदर ग्राफिक्स की जगह एक कौवे की फुटेज टेलीकास्ट कर दी गई। भाई, कौवे से ही काम कराना था तो इस एंकर को क्यों परेशान किया। लाइफ इन बैडमिंटन। बैडमिंटन के खेल में दर्शक काफी कंसंट्रेट होकर बॉल और खिलाड़ियों को भी देखते हैं, कौन कैसा खेल खेल रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग उन्हें एंजॉयमेंट भी मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी गलतियां भी कर देते हैं, तब भी मोमेंट फनी हो जाता है। लेकिन इस मैच में गलती की बात जो हुआ, उसने एक जबरदस्त सीन क्रिएट किया। अपने अपोनेंट की गलती पर इस दूसरे खिलाड़ी को हंसी आ गई, और जितनी देर ये हंसती रही मैच भी रुका रहा। भयानक टैलेंट। चलिए अब भयानक टैलेंट की बात करते हैं। नॉर्मल लोग तो टैलेंटेड होते हैं और वो अपने टैलेंट का प्रेजेंटेशन भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने इंटेलिजेंसी से अपने टैलेंट का प्रेजेंटेशन देते हैं। तो क्या फुटेज तैयार होती है आप खुद ही देख लीजिए। आपको अगर सीढ़ी पर चढ़ना हो तो उसे किसी दीवार या पोल या कोई मजबूत सहारा लेकर ही सीढ़ी पर चढ़ते हैं, लेकिन ये महोदय दो महिलाओं का सहारा लेकर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। महिलाओं ने भी सीढ़ी को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन जैसे ही ये कुछ ऊपर चढ़े सीढ़ी ने उनका साथ छोड़ दिया और पीछे की तरफ सरक गई। ये तो गिरे ही, बट सीढ़ी पकड़ने वाली दोनों महिलाएं भी अनबैलेंस होकर गिर पड़ी। भैया, दांत दांत बचे हैं या नहीं, अपने साथ साथ इन दो महिलाओं की भी बेइज्जती करा बैठे। मंकी की मस्ती। अब इन बंदरों को देखिए, एलिस नाम के इस अमेरिकन सेलिब्रिटी के साथ क्या करने जा रहे हैं। कोई इनके बालों के साथ खेल रहा है तो कोई इनके कपड़ों के साथ मजाक कर रहा है। ये फुटेज देखकर कहीं आप ये तो नहीं सोचने लगे कि काश हम भी अगर बंदर होते तो वैसे अच्छा तो ये होता कि ये मैडम अपनी पूरी बॉडी को कवर करके आती, क्योंकि बंदरों के मूड का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब किस मूड में आकर क्या कर बैठे। अब बात करते हैं हेयर कटिंग की। कुछ महिलाओं को लंबे बालों का शौक नहीं होता, यही वजह है कि कुछ तो सिर के सारे बाल उड़ा लेती हैं और कुछ तो बाल कटा लेती हैं। लेकिन जिन महिलाओं को अपने बालों से विशेष प्रेम होता है, उनके लंबे बालों को अगर काट दिया जाए तो उनका क्या हाल होता है, ये आप इस फुटेज को देखकर समझ सकते हैं। ये मैडम अपने लंबे बालों को काटता हुआ देख इतना स्ट्रेस में आ गई कि बेहोश हो गई। इसके साथ ही उस टीवी शो के सारे ऑर्गेनाइजर, गेस्ट और होस्ट भी टेंशन में आ गए। अब बात करते हैं बर्फबारी के दौरान जॉगिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझाने बुझाने का कोई असर नहीं होता, वो तो वही करते हैं जो उनके मन में होता है, फिर वो कोई उल जुलूल काम ही क्यों न हो। ये कपल बर्फबारी के दौरान जॉगिंग करने के मूड से बाहर आ गए। रिपोर्टर ने इनसे कहा कि इस मौसम में जॉगिंग, तो आदत से मजबूर मैडम बोली कि यही सही मौसम है जॉगिंग के लिए, इससे टेंशन भी दूर भाग जाता है। देखिए, हम तो दौड़ के दिखा रहे हैं, मैडम जी दौड़ भी पड़ी, लेकिन ये क्या, कुछ कदम दौड़ने के बाद ही नीचे गिरी धड़ाम से कमर के बल। अब और हाँक लो डींग, निकल गई हैकड़ी। अरे मैडम, दौड़ना तो छोड़िए, आप तो चलने से भी लाचार हो गई। उम्मीद है आपका बर्फबारी के दौरान जॉगिंग का भूत उतर गया होगा। बदमाश स्टूल। भाई, फंक्शन के दौरान ये जनाब स्टूल पर बैठे थे, लेकिन इसी समय दूसरे महोदय आ गए, उन्हें चलता कर दिया। इसके बाद पब्लिकली शेखी बकारते हुए खुद स्टूल पर बैठ गए
और पब्लिक के बीच कुछ प्रेजेंटेशन देने लगे। जैसे ही ये स्टूल पर बैठकर पीछे की तरफ घूमे, स्टूल का सेंटर पोल ऊपर आ गया और सिटिंग प्लेट नीचे चली गई। बाकी क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। वैसे क्या हुआ होगा ये आप इन महोदय के फेस रिएक्शन और बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही समझ सकते हैं। अब लगता है ये जिंदगी भर कभी स्कूल पर नहीं बैठेंगे, और अगर बैठे भी तो 100 बार जरूर सोचेंगे। पोलर बियर। शूटिंग के दौरान ये पोलर बियर अपना शॉट देने के लिए रेडी था, लेकिन बर्फ के प्लेटफॉर्म पर चलना उसके लिए जरा मुश्किल काम था। यही वजह है कि जैसे ही कैमरा एक्शन मोड में आया, बेचारा पोलर बियर बर्फ पर धड़ाम से गिर पड़ा। साइंस एक्सपेरिमेंट। ये दो ज्ञान चंद्र लाइव टीवी पर इस पंपकिन के साथ कुछ विशेष करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जो हुआ वो आपके सामने है। जैसे ही इन महोदय ने पंपकिन के ऊपर लगा बटन प्रेस किया, वो ब्लास्ट हो गया और उसके टुकड़े आसपास बिखर गए, और इसके साथ ही बिखर गया इन लोगों की बेवकूफी का डेमोन्स्ट्रेशन। चलिए अब जीत के खुशी की बात करते हैं। जीत की खुशी क्या होती है और उसे किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, ये आज आप लाइव देख लीजिए। आपके लिए ये एक मजेदार एक्सपीरियंस है। आप भी कभी किसी कॉम्पिटिशन में जीतते हैं तो कुछ इसी तरह का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? दरअसल एक लाइव शो के दौरान इस लड़की को लगा कि ये कॉम्पिटिशन में कार जीत गई है। इसके बाद उन्होंने इस खुशी को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अपनी खुशी को पब्लिकली दिखाते हुए पूरे के पूरे शो को अच्छी तरह से एंटरटेन किया, साथ ही अपने एंटरटेनिंग स्किल को रिप्रेजेंट भी किया। बट इन मोहतरमा का एक्साइटमेंट उस वक्त टाए-टाए फिस हो गया जब इन्होंने रिजल्ट देखा। दरअसल इन्होंने कंपटीशन जीता ही नहीं था, इसके बाद इनका दूसरा रिएक्शन भी देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोमा में जाने की तैयारी कर रही है। अब बात करते हैं खींच की। क्या आपने कभी अपने बॉस से परेशान होकर उस पर खींच निकाली है? अक्सर ऐसा होता है कि वर्कर अपने काम में अपना 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन केवल अपनी नजर में, और बॉस उससे उसका बेस्ट निकालने के लिए अक्सर उसे बातें सुनाते रहते हैं। अब बॉस को झेलने की भी एक लिमिट होती है, और जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आदमी की खींच कुछ इस तरह से निकलती है। जैसे ये रिपोर्टर महोदय अपने बॉस से बात करते करते कैमरे पर ही अपने गुस्से को जाहिर कर बैठे। वैसे ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? अपना कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए। In other news, Muslims are bad, China's bad, but not as bad as it used to be. My name is Jonathan Pye, and that was the fucking news! High heel sandal. अक्सर लोगों के बीच अगर कोई अजीब सी वेशभूषा आ जाए उसे देखकर मुंह बनाना आम बात है, लेकिन ये फितरत महिलाओं में विशेष रूप से देखी जाती है। अगर उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसकी ड्रेसिंग उन्हें पसंद ना हो तो आपस में कमेंट करने से भी पीछे नहीं हटती, फिर भले ही महिलाएं किसी भी देश की राष्ट्र अध्यक्ष ही क्यों ना हो, उनका ये स्वभाव हर जगह नजर आ ही जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ब्रिटेन की महारानी की तरफ गौर से देखिए इस फुटेज में। शायद उन्हें तुर्की की फर्स्ट लेडीज की सैंडल पसंद नहीं आई, उनकी सैंडल को देखकर उनके चेहरे का रिएक्शन साफ नजर आ गया। कैमरा क्रेजी। कुछ लोग कैमरा देखकर कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि देखने वाले उन्हें न केवल बेवकूफ बल्कि बेहुदा भी समझते हैं। ऐसा ही हुआ इस लेडी रिपोर्टर के साथ। ये अपनी अच्छी खासी रिपोर्टिंग कर रही थी, इसी बीच अचानक अजीब सी वेशभूषा में ये महाशय आ गए और बीच में ही अपना टैलेंट का प्रदर्शन करने लगे। हालांकि रिपोर्टर ने इन्हें भाव ना देते हुए ओके थैंक यू बोलकर आगे टरका दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं रेसिपी की। अगर आप किसी कुकिंग शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जिस डिश को आप रिप्रेजेंट करेंगे उसकी अच्छी तरह से तैयारी जरूर करेंगे, लेकिन कई बार कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये भूल जाते हैं कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। कुछ ऐसा ही हुआ इस कुकिंग शो में पार्टिसिपेट कर रहे इन दो शेफ के साथ। अपने डिश को तैयार करने के बाद उसे बाउल से निकालने का जो तरीका इन्होंने अपनाया, उसके चलते इनकी डिश बाउल में सेट होने के बजाय प्लेट पर बिखर गई। उसके साथ ही इनके शो जीतने की विश का भी कछुआ निकल गया।
तो दोस्तों ये थे ऑन कैमरा कुछ फनी मोमेंट। आपको इनमें से सबसे फनीस्ट मोमेंट कौन सा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।